मुंबई की ओर बढ़ता 35,000 किसानों का कारवां, कर्ज माफी समेत कई मुद्दों पर महाराष्ट्र सरकार को घेरने की तैयारी। टेलीकॉम कंपनी एयरसेल पर बैंकों का 15,500 करोड़ रुपए का कर्ज, दिवालिया घोषित किए जाने की अर्जी दी। गौरी लंकेश की हत्या का आरोपी केटी नवीन कुमार 5 दिन की पुलिस कस्टडी में, एसआईटी सनातन संस्था के मुख्यालय गोवा लेकर जाएगी। क्षेत्रीय दलों में समाजवादी पार्टी सबसे अमीर, कुल संपत्ति 635 करोड़, एडीआर की ताजा रिपोर्ट। नागपुर में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक जारी, सरकारवाह बनाए जा सकते हैं, दत्तात्रेय हुस बोले। गाजियाबाद की डासना जेल में 27 कैदी एचआईवी पॉजिटिव, सभी 5,000 कैदियों की जांच के आदेश। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को गार्ड ऑफ ऑनर, पत्नी के साथ राजघाट पहुंचे, आज पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप की भारत और चीन को धमकी, कहा अमेरिकी कंपनियों पर टैक्स नहीं घटाया तो हम भी उतना ही वसूलेंगे। और फिलीपींस में आतंकियों की सूची में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार कार्यकर्ता विक्टोरिया तौली कॉर्ब्स भी, यूएन ने राष्ट्रपति रॉड्रिगो को दिमागी इलाज की सलाह दी।